नजरिया बदल जाएगा और आप दुख को भी सुख में परिवर्तित करने की क्षमता रख सकते हैं। उसके लिए फिर आपको हमारे दरबार में आने की आवश्यकता नहीं। चलते फिरते शंकर जी का स्वरूप जिन्हें कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। ऐसे आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की परंपरा के नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। बागेश्वर धाम सरकार के मंदिर के अभी दर्शन कर रहे हैं, इसके बाद मैं आपको दर्शन कराता चलूं बागेश्वर धाम सरकार का दुबई में, जो कि प्रभु वचन दिव्य दे रहे थे बागेश्वर धाम सरकार। ये अद्भुत सा दीदार था बागेश्वर धाम सरकार का। एक और बात बता चलूँ, दुबई में ऐसी ऐसी कथाएँ बताई, ऐसे ऐसे प्रश्न बताए कि आप लोगों को भटकने करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे दरबार में आने की ज़रूरत नहीं है, सनातन धर्म। फिर उसके बाद बागेश्वर धाम सरकार दुबई से अपने धाम पर आए। धाम पर देख सकते हैं कार में बैठकर ये कहाँ जा रहे हैं, इसकी पहले जानकारी देता चलूँ। छत्तरपुर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो रहे हैं। क्यों रवाना हो रहे हैं कि बागेश्वर धाम पर जो गढ़ा गाँव में आज 27 तारीख से 29 तारीख तक कार्यक्रम जो हो रहा है, जो महाराज जी आ रहे हैं उनको छत्तरपुर रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं। देख सकते हैं महाराज जी छत्तरपुर रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, उनका स्वागत करने के लिए, उनको स्वयं लेने के लिए रेलवे स्टेशन छत्तरपुर पहुँचे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो मैं अपने चैनल के माध्यम से लाते रहता हूँ। उसके बाद बागेश्वर धाम सरकार सुबह उठे थे तो गुरुदेव ने पहले तो अपने भक्तों को भभूति दी और समस्या सुनी और धाम पर क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या आगे सही करना है, क्या ना करना है, इसकी जानकारी सभी सेवादारों को दी और सभी को बागेश्वर धाम सरकार ने वो बताया। और यहाँ पर लाखों लोग अर्जी आज भी लगाने गए हैं। आज आपको पता ही है बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से बहुत ज़्यादा लोग भगत आ चुके हैं, क्योंकि कार्यक्रम भी है और दूसरी बात दिव्य दरबार भी रहेगा, गुरुदेव का प्रभु वचन भी रहेंगे गुरुदेव के भी, और जो साधु संत महापुरुष आ रहे हैं उनके भी कार्यक्रम देखे हैं।